नमस्कार। ईश्वर आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे उन दोस्तों के लिए जो अपने बच्चों की फ़ीस पे करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये फ़ीस किस प्रकार से हम पे करें। तो इसको फ़ीस को पे करने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम वहाँ टाइप करेंगे कैंपस। कैंपस केयर करके टाइप करेंगे तो ये हरा एप्पल, ग्रीन एप्पल टाइप का इस तरह से हमको दिखाई देगा। इसमें इस तरह से दिखाई देगा ग्रीन एप्पल। तो हम ये इसको कैंपस केयर को इंस्टॉल कर लेंगे हमारे मोबाइल में। अगर ये हमारे मोबाइल में अभी तक इंस्टॉल हमने नहीं किया है तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। हाँ, वैसे तो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो फास्ट हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ देखिए इंस्टॉल हो रहा है। ये हमने प्ले स्टोर से कैंपस केयर इंस्टॉल कर लिया है। अब इसमें हम ओपन कर लेंगे। हाँ, अब यहाँ पर आपको वो URL मांगेगा तो हम URL डालेंगे। मैं आपको बताता हूँ, तो mcbcampuscare.in ये हमने डाला। हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कर रहा है वो, तो इसने हमको बता दिया कि आपने चूज़ किया है माउंट कार्मल स्कूल, जो कि सही है। हमारे बच्चे का स्कूल माउंट कार्मल स्कूल ही तो है। ओके कर लिया हमने। अब क्या है, आईडी मांग रहे हैं तो आईडी तो आईडी पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें बच्चे की ऊपर आप डाल देंगे आईडी। ठीक है, तो मान लीजिए एक बच्चे की आप आईडी डालते हैं, कोई भी आईडी आप डालते हैं जो उसके आई कार्ड के भी ऊपर भी होता है आईडी। तो ठीक है, ठीक है। अब आपको पासवर्ड याद नहीं है भाई, आईडी तो हमको उसके आई कार्ड, पुराने आई कार्ड वगैरह से मिल गया। ठीक है, अब पासवर्ड याद नहीं है तो क्या करें। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पर आप ये फॉरगेट पासवर्ड दबा दीजिए। ठीक है, और इसमें आप अपना, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अगर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जो आपके स्कूल के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिस पे आपको SMS वगैरह मिलते रहते हैं ना, और अगर नहीं है तो फिर भाई स्कूल में फ़ोन करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर तो कराना पड़ेगा, है ना। तो वो आप डाल दीजिए। ठीक है, और नंबर आपने सही डाल दिया तो फिर कंफर्म कर लीजिए। फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये पिताजी का नाम भी सही है, सब नाम सही है, सब चीज़ सही है, फिर अपन बढ़िया इसको कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी फ़ोन होगा उस पर एक SMS ड्रॉप होगा। हाँ, अब जैसे फ़ोन पे SMS, तो जो SMS आया था वो मैंने, वो पासवर्ड जो आया था वो ध्यान से यहाँ भर दिया है ना। लेकिन कई बार ठीक से नहीं भरे तो फिर से बोलता है, फिर से चेक करके भरिए, और इसको फिर साइन इन करके दबाना है। साइन इन करके यहाँ प्रेस करना है। तो वो जो पासवर्ड आया था वो सब करने के बाद मैंने साइन इन किया। तो अभी तक यहाँ की आप क्रिया समझ गए। ये पन्ना खुल गया, इसमें बच्चे का नाम नज़र आ रहा है, सब चीज़ नज़र आ रहा है, बढ़िया। अब हमें क्या करना है, हमें नीचे चलना है यहाँ पर, क्योंकि हम तो फीस भरना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे है, शायद आपको ठीक से दिख रहा होगा, ये फीस वाला, यहाँ पर फीस है। तो आइए इसको भर देते हैं, फीस का इसको फिल कर देते हैं। तो प्रेस करते हैं, ये आ गया, और फीस को प्रेस करते ही ये वाला पेज आ गया। ये पेज आने के बाद अब आपको क्या करना है, फीस की पेमेंट करनी है। तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, अपन इसको फिल करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, मैं प्रेस करता हूँ आपके सामने, ये मैंने प्रेस किया है, वो लोड हो रहा है। बच्चे की फीस को शायद कैलकुलेट कर रहा है सिस्टम।
और ये देखिए, इन्होंने हमको ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में पूरा ये फ़ीस बता रहे हैं कि आप कौन से इंस्टॉलमेंट की फ़ीस पे करने वाले हैं अभी। तो अभी जो जुलाई के महीने की हम फीस पे करेंगे, है ना, अपने बच्चे की। तो ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, इस बॉक्स पे अपन टिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, ठीक है। टिक करते ही आप देखिए कि जैसे हम यहाँ पर टिक करते हैं, ये जो नीचे टोटल है, टोटल ये यहाँ देखिए आप, नीचे टोटल लिखा हुआ है, ये टोटल यहाँ आता है। तो मान लीजिए मैंने एक बॉक्स टिक किया है तो ये अमाउंट आता है, दूसरा बॉक्स टिक किया है तो वो अमाउंट जुड़ जाता है, जुड़ के यहाँ टोटल में आ जाता है। अगर मैंने तीसरा बॉक्स भी टिक कर दिया है तो वो भी जुड़ के यहाँ टोटल में, ये देखिए यहाँ पर ये टोटल में आ रहा है, ये टोटल में यहाँ पर आ रहा है ना। अगर ये भी बॉक्स कर दिया तो भी टोटल में यहाँ आ जाएगा, और ये भी जोड़ दिया तो ये टोटल में पूरा अमाउंट फीस का आ जाता है। तो मान लीजिए मैं इस समय जितना भी मैं चाहूँ उतनी फ़ीस पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं मान लीजिए मैं अभी सिर्फ जुलाई की फ़ीस पे करना चाहता हूँ, जैसे मेरी अभी अवस्था है उसके हिसाब से। इसके बाद आप समझ ही गए हैं तो मुझे क्या करना है। अरे सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ ये है पेज, हाँ जी, तो ये पेज है। इसके बाद आप आसानी से समझ सकते हैं मुझे करना है प्रोसीड। तो मैं प्रोसीड को प्रेस करता हूँ और ये पेज आपको बोलता है, पेज HTTP माइक्रोसॉफ्ट सेज इफ़ फॉर एनी रीजन द फी पेज आउटलेस डज नॉट डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन आफ्टर यू हैव मेड पेमेंट, प्लीज़ क्लिक द डिटेल इन पेड डिटेल्स इन फी मेनू, इफ़ द अकाउंट गेट्स चार्ज्ड एंड रिसिप्ट इज़ नॉट अवेलेबल यू आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट अस एट द पेरेंट हेल्प डेस्क। तो नंबर भी दे दिया है, ईमेल भी आपको दे दिया गया है, सब चीज़ यहाँ पर आपके असिस्टेंस के लिए है। इसको ओके प्रेस कर देते हैं, है ना, वेरी नाइस। इसको ओके प्रेस कर दिया। अब ये क्या बोलता है, इसमें पिताजी का नाम आ रहा है, आपका ईमेल एड्रेस आप भर दीजिए, टेलीफोन नंबर ऑलरेडी है, ठीक है, एड्रेस भी उसमें आ रहा है। अब इसमें हम करना क्या चाहते हैं, हम तो फीस पे करना चाहते हैं, तो लिखा है यहाँ पर पे कर दीजिए, तो ये पे आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ईमेल एड्रेस एक्चुअली मांग रहा है, तो हमको ईमेल एड्रेस इसमें एक्चुअली डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ईमेल एड्रेस हम इसमें डाल देते हैं, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, आपने ईमेल एड्रेस मांगा, हमने डाल दिया। तो यहाँ पर ये जो पेज आता है पेमेंट का, इसमें आपका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस और आपका नाम, यानी कि पिताजी का नाम इसमें नज़र आता है। अब हम पे दबा देते हैं, इसको पे को प्रेस कर लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब ये आपको ले जाता है आपके इस ऑप्शन के ऊपर कि ये आप अमाउंट पे कर रहे हैं, ये स्कूल को आप पे कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन आईडी सामने है, ये अब आपके ये सब देख लीजिए, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम यूज़ करना चाहते हैं, नेट यूज़, यूपीएल, ईएमआई, वॉलेट, स्कैन, कुछ भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने मेरे पास तो एटीएम कार्ड है, मैं अपने डेबिट कार्ड से पे करना चाहता हूँ। तो व्यक्ति क्या करेगा, इसको मान लीजिए डेबिट कार्ड से हम पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड को प्रेस करते ही देखिए क्या क्या डिटेल आ गया है कि जो कार्ड के ऊपर नंबर छपा है उसको डाल दीजिए, कार्ड के ऊपर जो आपका जो एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखा है ना, उसको आप डाल दीजिए। कार्ड के पीछे तीन नंबर आपको दिखाई देते हैं, वो CVV नंबर, वो इसको यहाँ डाल दीजिए। आपका जो नाम है कार्ड का, कार्ड पे आपका ही नाम होगा, तो अपना शुभ नाम पूरा जैसे बैंक के रिकॉर्ड में है वैसा डाल दीजिए, और ये बैंक में आपका जो बैंक का जो नाम है वो डाल दीजिए, हो सके तो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह जो है करके आप इसमें से आगे बढ़ के यहाँ पे नाउ कर सकते हैं, आसान है। मान लीजिए अपन वो यूज़ करते हैं नेट बैंकिंग, सबसे बढ़िया आसान है ये, नेट बैंकिंग की आपके सामने फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें आप ड्रॉप डाउन में अपना बैंक यूज़ कर सकते हैं। इसमें बैंक ऑफ इंडिया भी है, आपके बहुत सारे बैंक हैं आप देख सकते हैं, SBI भी मिल जाएगा आपको, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल मिल गया है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपको यहाँ मिल रहा है, तो बहुत सारे बैंक हैं, ये नेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये चीज़ें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें इजी है, कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में अगर जाते हैं तो वही कार्ड की डिटेल्स आपसे मांगता है जैसे डेबिट कार्ड में डिटेल्स मांगता है। तो ये एक अच्छा पोर्टल है, एक बार आप पे करेंगे वो आपको बैंक की पोर्टल पे ले जाएगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी,
तो ये एक अच्छा तरीका है, मैं भी अपने बच्चे की अब पेमेंट कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इसको वॉच किया, गॉड ब्लेस यू। मैं फिर प्रार्थनाओं में आपके परिवार और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छे से आप लोग सुख से रहें, समृद्ध रहें, और हमारे लिए भी प्रार्थना करें। धन्यवाद।